हेलो दोस्तों, मेरा नाम तेजपाल राणा है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तेजपाल राणा में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि आप अपने YouTube चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम कैसे पूरा कर सकते हैं। आज का यह वीडियो दोस्तों नए यूट्यूबर के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। YouTube पर आपको इस रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको कुछ सही तरीका भी बताया जाता है और कुछ गलत तरीका भी बताया जाता है। जो सही तरीका है वो तो है ही, और जो गलत तरीका है वो क्या है, उसमें होता क्या है कि आपको एक वीडियो मांगा जाता है, यानी कि बहुत सारे लोग हैं अभी भी जो कि आपको बोलता है कि आप अपना एक वीडियो मुझे भेज दो, उस वीडियो से मैं आपको 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करवा दूंगा और आप मुझे कुछ पैसे दे दो। ऐसा किया जाता है और कैसे होता है वो भी चीज़ आप लोग जान लीजिए। ये ऐसे होता है कि जो भी बंदा आपसे वीडियो का लिंक मांगता है कि मैं आपको पूरा करवा दूंगा, उस वीडियो को करता ये है कि कोई भी कंप्यूटर है या लैपटॉप है उसमें वह वीडियो को चला करके छोड़ देता है, वीडियो को प्ले करके छोड़ देता है और उसमें सिस्टम कर देता है ऑटो रिप्लाई, और वो वीडियो चलते रहता है। जब एंड होता है फिर ऑटो रिप्लाई हो जाता है, चलते रहता है, एंड होता है फिर ऑटो रिप्लाई हो जाता है। तो इस तरह से आपका वो करते करते बहुत बार होता है। सोचिए कि यदि आपका 5 मिनट का वीडियो है तो कितना बार होगा जो कि तब उसमें 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरेगा। तो इसी तरह से वो लोग कर देते हैं, चलो भाई कंप्यूटर है, बैठ के अपना कर रहा है, एमबी आ रहा है, कर रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 4000 घंटे का वॉच टाइम को पूरा करवा देता है। उसके बाद आता है 1000 सब्सक्राइबर्स। 1000 सब्सक्राइबर्स वो लोग बहुत सारे जीमेल आईडी बना करके रखते हैं, उसी से आप लोग आपके चैनल को अलग अलग जीमेल आईडी से सब्सक्राइब भी करवा देते हैं और आपको दे देते हैं कि लो भैया आपका ये 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स भी पूरा हो गया और मुझे पैसे दे दो। पैसे वो तो ले लेते हैं और पैसे आप भी आराम से दे देते हो, आप अपना YouTube चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स भी पूरा करवा लेते हो। उसके बाद फिर होता यह है कि जब आप चैनल मोनेटाइज के लिए भेजते हो, YouTube के पास वह चैनल जाता है, YouTube उसको पूरी तरह से वेरीफाई करता है, पूरी तरह से चेक करता है कि यह बंदा जो चैनल मोनेटाइज के लिए अप्लाई किया है वो सही है या गलत है, सारा चीज़ चेक करता है। आप लोग जानते भी होंगे, YouTube पर बहुत सारे वीडियो देखते भी होंगे, तो तभी YouTube को पता चल जाता है कि आपके चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स कैसे आया। जब पता चलता है तभी ही YouTube क्या करता है, उस चैनल को रिजेक्ट कर देता है मोनेटाइजेशन के लिए, कोई भी मतलब जो है कि उसमें आप नहीं लेता है, वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करता, चैनल तभी रिजेक्ट कर देता है। फिर आप लोग सोचते हो कि क्या हुआ भैया, मेरा चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स क्यों जो है कि रिजेक्ट कर दिया। तो इसी वजह से करता है। आप लोग खास करके नए यूट्यूबर जिसको जानकारी नहीं होता है वो इस चीज़ में ज़्यादा पड़ता है, उस चीज़ में आपको नहीं पड़ना है, ये चीज़ आप लोग खास ध्यान रखिएगा। मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, समझ रहे हैं। आपका कंटेंट मैटर करता है यूट्यूब पर कि आपका चैनल चलेगा या नहीं, ग्रो करेगा या नहीं। आप यदि अच्छा कॉन्टेंट दे रहे हैं, पब्लिक आपकी वीडियो को वॉच कर रही है, तो उसमें से ज़रूर है कि वॉच टाइम कम्प्लीट होगा, व्यू जाएगा तो सब्सक्राइब भी जरूर लोग करेंगे। आपका कंटेंट पसंद आना चाहिए, मेन आपको फोकस करना चाहिए झोलझाल वाली चीज़ों को छोड़ करके, मेन आपको फोकस करना चाहिए आपका कंटेंट पे कि हम अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करें लोगों को ताकि वो हमारे वीडियो को देखे और उसी से 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो और उसी से 1000 सब्सक्राइबर भी पूरा हो। ये दिमाग में आप सेट कर लीजिए कि शॉर्टकट कुछ कोई भी चीज़ का नहीं होता है, खास करके सफलता का। यदि आप YouTube पर सफल होना चाहते हो तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि शॉर्टकट हम करके तुरंत सफल हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मेहनत जितना हार्डवर्क आपको ऑफलाइन में करते हैं उतना ही आपको जो है कि YouTube पर भी करना होगा ऑनलाइन अर्निंग के लिए। YouTube पर कुछ पॉइंट है दोस्तों जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा, उस पॉइंट को आप फॉलो कीजिएगा तो ज़रूर है कि कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो उस पॉइंट को मैं बताता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। नंबर वन पे आता है कि आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है। कोई भी चीज़ अगर ट्रेंड में चलता है, ये अगर ये चीज़ आप लोग बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि ट्रेंड में, जैसे कि मान के चलिए कोई हादसा ट्रेंड पे चल रहा है, यदि वो हादसा आपके कंटेंट से रिलेटेड नहीं है तो ये मत सोचिए कि उस पर मैं वीडियो नहीं बनाऊँ। आप बना सकते हैं वीडियो, आप कीजिए क्या, यदि कोई बीच में जैसे ब्लॉग बनाते हैं, आप मान के चलिए ब्लॉगर हैं, यदि आप ब्लॉग बनाते हैं तो उसमें करना क्या है, आपको कोई हादसा हुआ, एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ करना क्या है कि देखिए भाई इस तरह ब्लॉग ऐसे बनाते हैं ना, तो इस तरह से कि देखिए भाई आप लोगों को भी इस तरह से गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, तो आप नहीं तो हादसे से हम लोग जो है कि हादसे का शिकार हो जाते हैं, बहुत सारा चीज़ इसमें आप बोल सकते हैं उस रिलेटेड। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि कोई भी चीज़ यदि ट्रेंड चलता है तो उस चीज़ को अपने वीडियो में कवर कर लीजिए, बीच में कवर कर लीजिएगा, ट्रेंड भी वो आ जाएगा आप में, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जो है कि ट्रेंडिंग चीज़ को देख के वीडियो बनाइएगा। दूसरे नंबर पर आता है सरल भाषा में आप वीडियो बनाइए। आप जहाँ से हैं, जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं, उस एरिया के लोग जिस तरह से हैं उसी तरह से आप वीडियो बनाइए, एकदम हिंदी भाषा में बनाइए ताकि पूरे इंडिया के लोग को समझ में आए और अच्छे से समझ में आए, सरल भाषा में, ताकि सब लोग उस वीडियो को देख करके कुछ ना कुछ समझ जाए।
पूरा सरल भाषा में आपको वीडियो बनाना है। तीसरे नंबर पे आता है, आप अपने वीडियो जब अपलोड करते हैं तो आप अपने वीडियो पे हैशटैग इस्तेमाल जरूर कीजिए। वीडियो पे हैशटैग लगाइए, या तो टाइटल में लगाइए या तो डिस्क्रिप्शन में लगाइए। कम से कम 3 हैशटैग आपको डिस्क्रिप्शन में लगाना है और 1 हैशटैग आपको वीडियो के टाइटल में लगाना है। तो कोशिश कीजिए कि हैशटैग अच्छे से अच्छे वीडियो से रिलेटेड हम इस्तेमाल करें, वीडियो से रिलेटेड ही आपको हैशटैग इस्तेमाल करना है। चौथे नंबर पे आता है कि आप अपने वीडियो का टाइटल ऐसा रखिए, जब भी आप वीडियो अपलोड करते हैं वहाँ टाइटल डालने के लिए बोला जाता है कि वीडियो का आप ऐसा टाइटल रखिए जो कि लोगों के पास यदि जाए तो वो अच्छे से समझ में तुरंत आ जाए और तुरंत वो वीडियो पे क्लिक कर दे। वीडियो का टाइटल बहुत ही मैटर करता है वीडियो के सर्च में आने का, वीडियो रैंक करवाने का और वीडियो को क्लिक करवाने का। वीडियो का टाइटल आपका जैसा रहेगा वैसा आपका व्यू जाएगा। तो वीडियो का कोशिश करें कि सरल भाषा में और अच्छे से अच्छे टाइटल उसमें डालने का। पांचवें नंबर पे आता है वीडियो का थंबनेल। थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये तीनों चीज़ मैटर करता है। तो आपको थंबनेल पे भी अच्छा खासा फोकस करना है। वीडियो का थंबनेल आपको जो है कि उसमें एक रियलिटी थंबनेल देना है, समझ रहे हैं ना। वीडियो आपको बनाना तो है ही लेकिन थंबनेल भी उसमें अच्छा खासा होना चाहिए। थंबनेल आपको फोकस करना, कम से कम 2 घंटा समय देकर आप थंबनेल बनाइए वीडियो का। तो थंबनेल पे आपको अच्छा खासा फोकस करना है और अच्छा से अच्छा थंबनेल बनाना है, क्योंकि पब्लिक थंबनेल उसके सामने जाती है। तो थंबनेल आपका अच्छा रहेगा तभी तो क्लिक करेगा, और क्लिक करेगा तभी तो व्यू जाएगा, और व्यू जाएगा तभी तो आपका वॉच टाइम कंप्लीट होगा और सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होगा, तभी तो आप चैनल मोनेटाइज करके पैसे कमा पाओगे, समझ रहे ना। छठे नंबर पे आता है कि जब भी आप वीडियो अपलोड कर देते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन एक बार अच्छे से लिखिए। आप जिस रिलेटेड आपका वीडियो है उस रिलेटेड आप डिस्क्रिप्शन में भी डाल दीजिए कि इस वीडियो में आपको ये मिलने वाला है। तो उस तरह से, और उसके बाद अपना सोशल मीडिया का लिंक डाल दीजिए, और वीडियो में आपसे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कम से कम 3 पिछले वीडियो का लिंक डालना है और टाइटल डालना है। 3 वीडियो कम से कम उसमें डाल दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। YouTube पर आप जो भी कीजिएगा वो सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। YouTube पर यदि आप अच्छे खासा कंटेंट दीजिएगा तो आपका डेफिनेटली है कि चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो करेगा। जैसे जैसे आप वीडियो बनाते जाएंगे YouTube पर, उसी तरह से आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ते जाएगा और उस तरह से आपको अनुभव भी होते जाएगा कि हम वीडियो अच्छे से अच्छे बनाएं। मेरा आप पहले का वीडियो देखिएगा और अभी का वीडियो देखिएगा, एक्सपीरियंस धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। और कोशिश कीजिएगा कि अच्छे से अच्छे कंटेंट दें, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ये था कि आप अपने YouTube चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम कैसे पूरा कर सकते हैं। तो इसमें आप जान गए होंगे कि आपका कंटेंट ही मैटर करता है। यदि आपका अच्छा कंटेंट रहेगा तो जरूर है कि कंटेंट यदि पूरा लोग देखेगा तो 4000 घंटे का वॉच टाइम भी पूरा होगा और 1000 सब्सक्राइबर्स भी पूरा होगा। तो इसी तरह से आप अपने YouTube चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम भी पूरा कर सकते हैं। खास करके ये ध्यान रखिएगा, लास्ट में बोलते जाता हूँ कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी आपको सफल होना है तो आपको मेहनत करना होगा, हार्डवर्क करना होगा, और जितना ज़्यादा मेहनत कीजिएगा उतना जल्दी आप सफल हो जाइएगा, समझ रहे हैं ना। तो उम्मीद है कि आप सभी से कि यह वीडियो आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाया जरूर होगा, और हमसे यदि कुछ सीखने को मिलता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं बनाते रहता हूँ। सोशल मीडिया से रिलेटेड हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिलते रहता है, तो आप लोग हमें भी सपोर्ट कीजिए थोड़ा बहुत। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मिलते हैं इसी तरह के नॉलेजबल वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।